हेलो क्लास एट स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद दी एपिडर्मिस। वी विल डिस्कस एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर बंडल्स। एपिडर्मिस, एपी मीन्स आउटर एंड डर्मिस मीन स्किन। सो द आउटर मोस्ट रीजन फॉर्म्ड बाय अ सिंगल रो ऑफ closely fitting flat rectangular cell is called epidermis. So what is epidermis? It is the outermost region formed by closely fitting flat rectangular cells is called epidermis. It is a protective tissue. It covers stem, roots and leaves. It in green leaves or stems. It bears stomata for the exchange of gases needed for respiration. अगर आप green stem में या green leaves में देखें तो इसके अंदर stomata होता है, जो कि हम जानते हैं gases exchange के लिए वो काम आता है during respiration, है ना, और photosynthesis में भी ये बहुत कारगर है। Roots के अंदर इसी layer को epiblema कहते हैं। ये इस एपिब्लेमा के अंदर रूट्स होते हैं, रूट हेयर बियर। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो यही चीज़ रूट के अंदर जो होता है, ये रूट हेयर्स ये हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल को के एब्जॉर्प्शन को, कहाँ से, सॉइल से होकर के, वही बाद में वस्कुलर बंडल होकर के वो प्लांट को पहुँचेगा, ठीक है। अब आइए दूसरा है ग्राउंड टिश्यू। This constitute the rest of the stem except the distinct groups of bundle of cell which you see arranged in a circle near the center. अगर central जो portion है, अभी आप ऊपर figure 2.9 में देख रहे हैं, उसमें आप central में देखिए वो जो गोल गोल सा region आपको दिख रहा है वही ground tissue है, ठीक है। देख लिया आपने, ये देखिए, ये दिखा दिया, ये गोल गोल सा रीजन, ठीक है। अब आइए, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स एंड एक्चुअली अ टिश्यू सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ये अलग अलग जोन में बटे हुए हैं, लेकिन अगर आप ढंग से देखें तो ये एक्चुअली एक टिश्यू सिस्टम है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलके बना हुआ है। वी विल डिस्कस ओनली टू जोन्स, दैट इज़ द कॉर्टेक्स एंड द पिथ। कहता है कि इसमें कई सारे जोन्स हैं, लेकिन हम सिर्फ दो जोन की बात करेंगे, एक कॉर्टेक्स की और एक पिथ की। अब देखिए, द थिन वॉल्ड ओवल और पॉलीगोनल सेल्स extending from the epidermis to the distinct bundles near the center forms the cortex. Thin walled, oval या polygonal cells जो कि epidermis से लेकर के distinct bundle तक ये फैला हुआ है, कहाँ पर, near the center, यही है वो जो cortex बनाता है, outer layer। अब देखिए इसमें फिर से, ये देखिए कॉर्टेक्स आपको दिखाई दिया, ये लाइन देखिए कॉर्टेक्स राइट वाले फिगर में, आप देखिए राइट वाले फिगर में सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, ये वाइट वाइट सा पोर्शन जा रहा है, ये पूरा कॉर्टेक्स है, ठीक है। और सबसे अंदर वाला पोर्शन यहाँ पर, ये जो पोर्शन है अंदर, देखिए सबसे सेंटर पे पिथ है, तो ये पोर्शन हमारा पिथ कहलाएगा, ठीक है। दिस रीजन इज प्रेजेंट इन रूट्स, कहता है रूट में भी ये रीजन प्रेजेंट होता है। अब आइए स्टेम में, इट्स फंक्शन इज टू स्टोर फूड। तो स्टेम के अंदर इसका काम क्या होता है, फूड को स्टोर रखना। द सेंट्रल कोर ऑफ राउंडेड सेल फॉर्म्स द पिथ विच टू सर्व्स एज द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग फूड। और सेंट्रल रीजन में जो आप पिथ देख रहे हैं उसका भी काम होता है कि फूड को स्टोर करे, ठीक है।
अब आइए वस्कुलर बंडल, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये मैं आपको शॉर्टकट में पहले ये बता दूँ, फिर मैं इसका लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा। शॉर्टकट में ये है कि ये दो तरह के पाइप का नेटवर्क है, सिस्टम है। एक पाइप में पानी चलेगा रूट से ऊपर प्लांट को, रूट सिस्टम तक। उस पाइप में पानी और मिनरल्स दोनों चलते हैं, तो वो सॉइल से रूट के होकर के ऊपर जब जाता है तो उसकी डायरेक्शन सिंगल होगी, यानी यूनिडायरेक्शनल होगी, नीचे से ऊपर, ठीक है। लेकिन एक दूसरा पाइप होगा जो ऊपर से नीचे और फिर साइडवेज सब जगह चलेगा, बोथ डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल होगा, क्योंकि वो फूड को ट्रांसफ़र कर रहा होगा। फूड कहाँ बनता है? लीव्स में, ठीक है। तो लीव्स तो ऊपर भी है, लीव्स बगल में भी है, नीचे भी है, लीव्स तो पूरा पेड़ उसी से बना हुआ है, चारों तरफ लीव्स ही लीव्स है, तो हर जगह खाना होगा। तो खाना का जो ट्रांसफ़र होना है रूट तक, नीचे तक खाना आना है, नीचे तक भी आना है, साइडवेज भी आना है, तो नीचे वाले पौधे से, लीव से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो फ्लोएम के अंदर बोथ डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। अब आइए इसका लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ सेल अरेंज इन अ रिंग आर कॉल्ड वस्कुलर बंडल्स। दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। द लार्ज थिक वॉल्ड सेल फॉर्म्स द जाइलम। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट। दिस थिन वॉल्ड स्मॉलर सेल्स लाइंग मोर टुवर्ड्स द आउटर साइड कंस्टिट्यूट द फ्लोएम। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन लीफ एंड द रूट एज वेल। तो इसमें हमने देखा कि ये दो जो पाइप थे, एक पाइप जाइलम जिसमें पानी और मिनरल्स चलते हैं नीचे से ऊपर को, और दूसरा है फ्लोएम, फॉर फॉर फ्लोएम, फॉर फॉर फूड। तो आपको इससे एकदम कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो फ्लोएम है वो फूड को कैरी करेगा, ठीक है। और ये जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए रूट से, और जबकि जो फ्लोएम है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड को लीव्स में, चूँकि वहीं बनता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वहाँ से रेस्ट ऑफ द प्लांट तक उसको पहुँचाने का काम होता है। और ये लीफ में प्रेजेंट होते हैं और रूट में भी प्रेजेंट होते हैं वस्कुलर बंडल, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो दिस वाज होल अबाउट द प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट मंडे में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, ठीक है। ओके, थैंक यू।